कि हमने निर्णय लिया है कि 10वीं 11वीं और 12वीं तीन क्लासों के को हम शुरू कर रहे हैं, और जिस प्रकार से पहले नियम निश्चित थे उसी प्रकार से सारे नियमों का पालन किया जाएगा, और जो भी बच्चे उनको छूट होगी, जो बच्चे आना चाहें वो स्कूल में आ सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हमने किया था उसी प्रकार से नियम रहेंगे, क्योंकि 15 साल से 18 साल के बीच में 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, और ऐसे में मुझे लगता है कि काफ़ी सुरक्षित हैं अभी, और वैसे भी कोरोना जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। तो इस सारी उसको देखते हमने निर्णय लिया कि 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लासें हम शुरू करेंगे। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन रहेगा? हाँ बिल्कुल, कोविड की जो गाइडलाइन है उसका जिस प्रकार पहले पालन किया उसी प्रकार से अब भी उसी प्रकार पालन करेंगे। तो सर, जो बच्चे स्कूल में पहले पेरेंट्स की कंसेंट से आ रहे थे, पेरेंट्स का जो कंसेंट होना जरूरी था, या जो नहीं आना चाहते, वो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है वो चलती रहेंगी सर? हाँ बिल्कुल, वो क्लासेस चलती रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं वो क्लास में आ सकते हैं। जी सर, एक सर आज काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, दो नए सूचना आयुक्तों के नाम पर मुहर लगी है, बैठक हुई, किन किन नामों पर मुहर लगी सर, थोड़ा बैठक कर बता दीजिए। देखिए, उसमें एक प्राणी जो आईएएस अधिकारी हैं अपनी ज्योति अरोड़ा जी, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, तो उनका नाम, और एक हमारे एडवोकेट हैं मेहता जी, पंकज मेहता, तो उनका नाम फाइनल हुआ है जी। तो सर, ये जो है वो स्कूल के बात पर वापस आते हैं, स्कूल खोलने के मामले में जो गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन, मास्क, सैनिटाइजर, या तमाम जो स्कूलों में एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए, किस तरीके से बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके? हाँ देखिए, अभी ये फैसला हमने लिया है और तुरंत आज ही हम इसको जारी कर देंगे जी। जो भी नियम है, वैसे तो पहले से जिस प्रकार से नियमों का पालन रहता उसी प्रकार से सारे नियमों का पालन होगा, लेकिन इसके अलावा अभी हम इस गाइडलाइन को हम सभी अपने जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको तुरंत। प्राइवेट स्कूल लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाए, 28 तारीख को एक राज्य स्तरीय बैठक भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार पे कोई प्रेशर था या किस तरह से कोई बात थी? नहीं नहीं, देखिए सरकार के पास कोई प्रेशर नहीं था, और अभी तक हमें प्राइवेट स्कूल की तरफ से ऐसा कोई मेमोरेंडम या कोई भी इस प्रकार का कोई उनका संगठन हमें मिला भी नहीं है अभी तक, अभी नहीं मिला भी नहीं था हमें, लेकिन इस प्रकार का कोई नहीं। देखिए, सब चीजें जो हैं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ही हम खोल सकते हैं, तो अभी हमें लगा कि सुरक्षित है, क्योंकि 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, तो ऐसे में ये हमें लगा कि ये सुरक्षित है अभी, और इसीलिए हमने जो निर्णय लिया वो 10वीं 11वीं और 12वीं का लिया। सर, बाकी जो छठी से लेकर 9वीं क्लास तक की बात करें तो जल्द विचार इस पे भी किया जाएगा स्थिति के मुताबिक कोविड के? देखिए, अगर ये ठीक तरीके से सारा कुछ चलता है तो आने वाले टाइम में इस पे विचार कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा।